दोस्तों आप सभी के लिए शानदार लेटेस्ट पॉजिटिव न्यूज के साथ आप सभी देख पा रहे होंगे पेपर कटिंग के माध्यम से आप हमको बताने जा रहे हैं। पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि उच्च शिक्षा विभाग में 880 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रयोगशाला परिचालक के पद, प्यून के पद, चपरासी के पद, टोटल मिलाकर 880 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अक्टूबर में इसका फॉर्म भराने के लिए स्टार्ट हो गया था। देखिए 4 महीना हो गया है ना, तो अभी आपका मार्च चालू हो गया है, 1 मार्च है आपका। और यहाँ तक कि मैं बात करूँ कि परीक्षा तिथि संभावित, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि परीक्षा अगर हो सके तो मार्च के अंत में हो सकता है, या फिर चुनाव के बाद, है ना, आचार संहिता के चुनाव के बाद भी हो सकता है। तो अगर व्यापम लेगा, देखिए उच्च शिक्षा विभाग के जो फॉर्म है 7 लाख से अधिक फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं पेपर कटिंग के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार 7 लाख आवेदन आए हुए हैं इस पद पर। क्योंकि देखिए जी, यहाँ पर प्यून है, चपरासी, 5वीं 8वीं पास मांगा गया है, 9वीं 10वीं सिलेबस से प्रयोगशाला परिचालक के, जिसमें ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, है ना, 7 लाख अधिक आवेदन आए हैं। और देखिए मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि प्यून, चौकीदार, स्वीपर की भर्ती के लिए अब लेगा व्यापम परीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया था, लेकिन अब इसको किसको सौंप दिया गया है, व्यापम को। अब इसका एग्जाम व्यापम लेगा जी। पूरी जानकारी लेटेस्ट न्यूज सुनते रहिएगा। जैसे कि देखेगा यहाँ पर कि प्रदेश में प्रयोगशाला परिचालक, प्यून, चौकीदार, स्वीपर भर्ती उच्च शिक्षा विभाग के कुछ महीने पहले आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें 7 लाख से ज्यादा फॉर्म आए हैं। कितने? 7 लाख। साथ ही इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा हो चुकी, इतनी बड़ी है कि अब देखिए, अब इसके पास छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम को आयोजित की जाएगी, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव भेजा गया है। डायरेक्ट बात बोल रहा है कि यहाँ पर प्रस्ताव भेज चुका है व्यापम को, ठीक है। और विभिन्न भर्तियों की परीक्षाएं 2.5 से 3 लाख तक आवेदन मिले हैं, ठीक है, 2.5 से 3 लाख। जैसे कि आप देख पा रहे हो भर्ती के लिए व्यापम ने जल्द जारी किया था, जिसमें कई, मतलब पिछले साल में जो भर्ती हुए हैं राज्य में उनकी स्थिति यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो परीक्षा में महिला पर्यवेक्षक के 2.45 लाख फॉर्म, सहायक शिक्षा के 1.86 लाख, सब इंस्पेक्टर यानी लेबर इंस्पेक्टर के 1.76 लाख, राज्य सेवा परीक्षा का 1.52 लाख, शिक्षा के 1.54 लाख, मंडी बोर्ड एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ है उसका 1 लाख, हॉस्टल वार्डन के 70,000 फॉर्म, इसके परीक्षाओं के आवेदन भरे गए थे, ठीक है। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में, यानी कि 7 लाख बड़ी संख्या में फॉर्म आए हैं जी, इसमें जो 880 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए, जिसमें, है ना, तो यही परीक्षा में, देखिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो एग्जाम होगा व्यापम लेगा, ना कि उच्च शिक्षा विभाग, ठीक। मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, आई होप। यहाँ पर देखेंगे और इसके नीचे में क्या लिखा गया है, तो जानकारों का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग इस भर्ती की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं से लेकर 12वीं पास थी, वह प्रयोगशाला परिचालक के लिए 12वीं पास थी, अन्य तीनों पदों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। तो इतनी, अब देखिए 5वीं 8वीं पास मांगा गया है तो बहुत संख्या में बेरोजगारों में है, है ना, तो भर्ती फॉर्म आना ही आना है, है ना। अब देखेंगे कि तब यह कहा गया था कि चयन के लिए विभाग की ओर से परीक्षा आयोजित की जाएगी, और विभाग का भी यह अंदाजा नहीं था कि इतने पदों के लिए बड़ी भर्ती संख्या में आवेदन किया जाएगा। यानी कि विभाग को भी इतना मालूम नहीं है कि इतना पदों पर भर्ती विज्ञापन जो आवेदन है इतना संख्या में आ जाएगा, ठीक है। तो अब परीक्षा के आयोजन के लिए व्यापम प्रस्ताव को भेज चुका है ना, तो देखिएगा व्यापम जो है अपना 15 से 20 दिन, क्योंकि 10 मार्च के पहले तो नहीं होगा एग्जाम, लेकिन 10 मार्च के बाद, यानी कि 15 से 20 दिन अगर समय लेते हैं तो मार्च के अंत में हो सकता है। तो आप लोग प्रयोगशाला परिचालक छत्तीसगढ़ जो टॉपिक है उसमें आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत ही कम समय है। अगर चुनाव के पहले होता, 4 सितंबर तक पहले हो जाता है तब की बात है, है ना, अगर चुनाव के बाद लिया जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तैयारी करना तो शुरू कर सकते हैं, ठीक। अब रही बात परीक्षा में पूछे जाएंगे सबकों के सवाल, ऑब्जेक्टिव रहेंगे जी, पूरा लिखित रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्यून, चौकीदार, स्वीपर भर्ती के लिए 100 नंबर का जो लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो परीक्षा 2 घंटे की होगी, समय आपको 2 घंटे का है, ठीक। और इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ भूगोल, जलवायु, छत्तीसगढ़ जितने टॉपिक है, साथ ही भारत के भूगोल से, यानी कि छत्तीसगढ़ भारत के पढ़ना है, और साथ ही 60 नंबर के आपके विज्ञान के रहेंगे, प्रयोगशाला परिचालक के, बाकी प्यून का आप चपरासी के ऊपर छत्तीसगढ़ का रहेगा, ठीक है। तो मैं यही आपको संदेश देना था, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो मैं वीडियो में आपको बताया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, तो आप
अगर किसी चीज़ पर डाउट है तो आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन से कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप कोई भी वैकेंसी जैसे हॉस्टल वार्डन हो गए, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचालक है, प्रयोगशाला परिचालक की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर निःशुल्क रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर अपलोड किया जा ही रहा है, लेकिन लाइव क्लास भी लिया जाता है, साथ ही मेम्बरशिप में भी क्लास लिया जाता है। जिनको तैयारी करना है आप आ जाइएगा, बिल्कुल निःशुल्क है, रिकॉर्डेड तो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, जानकारी आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।